रामपुर जनपद में पुलिस के अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही। मुखबिर की सूचना पर बंद मकान में चल रहे आईपीएल सट्टे का कारोबार करने वाले 4 युवक गिरफ्तार। आईपीएल सट्टा किंग से पुलिस ने बरामद किए 11 मोबाइल, 1 एलईडी टीवी, 1 मेज भाव बोलने वाली लाइन, आईपीएल मैच का सट्टा लिखे 2 रजिस्टर और 11,400 रुपए की नकदी भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने खुलासा करते हुए चारों आरोपियों पर सार्वजनिक अधिनियम की धारा 477/2020 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और चारों आरोपियों पर गैंगस्टर की कानूनी कार्यवाही पूरी कर जेल भेजा जा रहा है। सर, आज ही जो खुलासा हुआ है पूरा मामला क्या है? ये जनपद संबंध में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं मोहल्ला हौज भदेसराय से। ये यहाँ पे एक रजिस्टर रख करके और लोगों को आईपीएल में सट्टा लगवाते थे, जिसमें पर बाल 100 रुपये, चौके पर 1,000 रुपये, छक्के पर 2,000 रुपये और शतक पर 10,000 रुपये के हिसाब से ऑनलाइन सट्टा लगाते थे। इसमें 4 अपराधी जो नसीम अख्तर, मोहम्मद नाजिम, आकिब उर्फ सकंदर और साकिब को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 11 मोबाइल, 1 टीवी, 1 रिमोट सेट, 1 सेट टॉप बॉक्स, 2 रजिस्टर, 2 पेन, चटाई और 11,400 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। और इसके जो अन्य लोग हैं और भी जुड़े हुए हैं, उसमें भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। ऐसे जितने भी अपराधी हैं जो जुआ सट्टा ये सब खेल रहे हैं, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई जारी रहेगी। अभी ये 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, उनको तत्काल विधिक कार्रवाई की जा रही है।